आपने कहा 20 साल बाद का निर्माण, भारत निर्माण करने के लिए, भविष्य का भारत निर्माण करने के लिए क्षत्रिय बनना होगा, क्षत्राणी बनना होगा। एक लेखक की कलम भी एक शस्त्र की तरह है। आज का लेखक अपनी लेखनी से भविष्य का भारत कैसे गढ़ सकता है? तो मैंने बताया, बौद्धिक क्षत्रिय बनना चाहिए, बौद्धिक क्षत्राणी बनना चाहिए। वैचारिक क्षेत्र में काम करने वाले लोग भी एक प्रकार से, जो चल रहा है विमर्श का युद्ध या नैरेटिव वार, इसको ठीक तरह से समझकर सही में इसको एक और शब्द प्रयोग मैंने किया, करते रहते हैं, दैट इज़ वी हैव टू फेस हेड ऑन। हमको इसको फेस करना ही चाहिए, इसको सही में अध्ययन करना। पहली बात, अध्ययन करने के लिए जो शोध की जरूरत है, रिगरस रिसर्च का जरूरत है, और विथ ऑल सब प्रकार के सोर्सेस के आधार पर हमारे जो विषय है, भारत की सूत्र के आधार पर प्रत्येक विषय, चाहे वो शिक्षा क्षेत्र का है, कला के क्षेत्र का है, उद्योग का क्षेत्र का है, पॉलिटिक्स का है, डेमोक्रेसी का है, इसको ठीक ढंग से समाज के समक्ष रखने की आवश्यकता है। क्योंकि आज जो वैचारिक विमर्श चल रहा है, ये अधिकतर एक प्रकार से भारत विरोधी विचारधारा से प्रेरित होकर चल रहा है।